WPL शुरू हो रहा है और उसके साथ शुरू हो रहा है 1 करोड़ जीतने का सपना भी। जी हाँ, जनरली आपको पता है जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं कि मैं ग्रैंड लीग टीम्स ऐसे नहीं देता, लेकिन ऐसी बार मैंने पहली बार ऐसा किया है कि जो ग्रैंड लीग प्लेयर्स हैं उनके लिए 6 टीम्स अपने अनुभव से, अपने स्किल से, अपने एनालिसिस के बेस पे लेकर आ रहा हूं। तो वीडियो में 6 ग्रैंड लीग पेस हैं आपके लिए, 6 ग्रैंड लीग टीम है, देखिएगा समझिएगा। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड कोई टीम देती है, लॉजिक है टीम के पीछे, टीम के पास पीछे मैच सिचुएशन है और टीम के पीछे कॉम्बिनेशन है। तो बहुत दिमाग लगा के, बहुत एनालिसिस के बाद ये वीडियो लाया गया है आपके लिए। पहली बार चूंकि मैं ये ऐसा वीडियो कोई बना रहा हूं, तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी शेयर करें। ठीक है, सबसे पहले बात मैच की। गुजरात और मुंबई के बीच ये मैच है। ऑल दो चैनल पर स्मॉल लीग की वीडियो आ चुकी है, स्मॉल लीग टीम और पूरा एनालिसिस। तो अगर आपको एनालिसिस में इंटरेस्ट है, मैच को की सिचुएशन समझनी है, पूरा ब्यौरा समझना है मैच का, तो प्लीज वो वीडियो चैनल पर जाके देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस वीडियो का लिंक डाल दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। जहां तक ग्रैंड लीग की बात है तो उसके लिए वीडियो है। ब्रीफ ये है कि 6 टीम्स में दे रहा हूं मैच सिचुएशन के हिसाब से, पिच के हिसाब से, और पिच अगर बदल गई मतलब रिवर्स सिचुएशन के हिसाब से भी मैंने 2 टीमें बनाई हैं। 2 लो रिस्क टीम है, 2 सॉलिड GL है और 2 हाई रिस्क ग्रैंड लीग टीम है, उसी के अकॉर्डिंग पूरा वीडियो चलेगा। ब्रीफली क्या देख लेते हैं, पिच पिच पे हाई स्कोरिंग मैचेस रहते हैं, विकेट्स बहुत कम गिरे हैं, कप्तान वेद मुनी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। प्लेइंग 11 फटाफट देख लीजिए, ये गुजरात का प्लेइंग 11, उसके आगे जो लिख रहा है वो उनका स्किल लिख रहा है, और ये मुंबई का प्लेइंग 11, ये भी जो लिख रहा है वो क्या है आगे उनका स्किल, किस प्लेयर का क्या है। अगर आपको दिलचस्पी है तो या तो स्मॉल लीग वीडियो देखें या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके समझते रहिएगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए चीजों को ब्रीफ में मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आ जाती हैं कुछ स्मार्ट पिक्स, कौन से वो खिलाड़ी हैं जो बड़े नामों से हटके बड़ा काम कर सकते हैं, उनको आपको समझना जरूरी है। तो मुझे जो लगता है इस मैच के लिहाज से, इस मैच के पर्सपेक्टिव में कुछ प्लेयर जो बड़ा काम कर सकते हैं वो हैं, सबसे पहले अमनजोत कौर, कोई बात नहीं कर रहा है उनकी, क्योंकि बाहर के प्लेयर इतने बड़े बड़े हैं, एस्ले गार्डनर हैं, एमेलिया कैर हैं, नेट स्काइवर हैं, हेली मैथ्यूज हैं, डाइंडा डॉटिन हैं, अमनप्रीत कौर हैं, बेथ मूनी है, तो कौन बात करेगा यार अमनजोत कौर की। अमनजोत कौर इज ए वेरी 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 गुड प्लेयर और वो इस मैच में प्रूव कर सकती हैं। उनके बाद तनुजा कंवर बहुत अच्छी लेफ्ट आर्म बॉलर है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है और रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा रहा है। उनके साथ दयालन हेमलता है, बहुत अच्छी चॉइस साबित हो सकती है। और कौन है, और आपका मोनिका पटेल है, उनकी भी रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छी है। पूरी लिस्ट आपको 4-5 प्लेयर की आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, चारों पांचों प्लेयर आपको ऐसे हिसाब से फिट करने हैं अपने जीएल टीम में कि आपकी बात बन जाए। और किसको कैप्टन करना है, किसको वाइस कैप्टन करना है, वो तो वीडियो में आगे मैं बताऊंगा ही। लेकिन हाँ, सबसे पहले पहली टीम दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल मेरा, ताकि आपको ये अपडेट्स, इन टीम तो ये रफली हो जाएंगी यहाँ पर, लेकिन इनकी फाइनल टीम्स आपको कहाँ मिलेंगी, वो वही मिलेंगी ना। इसलिए अभी के अभी जुड़िए टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है, क्लिक करके जुड़ जाइएगा। इन केस ऐसा नहीं कर पा रहे, सीधे जाइए टेलीग्राम ऐप पर, वहां जाके क्रिकेटोलॉजी सर्च कीजिए। क्रिकेटोलॉजी सर्च करेंगे ढेर सारे चैनल दिखेंगे, उसमें से ये वाला चैनल जिसकी डिटेल अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, यही ज्वाइन करिएगा। फेक चैनल्स पे मत जाइएगा, मत जाइएगा, मत जाइएगा। लोग पैकेज बेचने की कोशिश करेंगे मेरे नाम पे, बिल्कुल मत खरीदना, ठीक है। पैकेज ना बिके और पैकेज ना बेचूं, इसीलिए ग्रैंड लीग स्पेशल टीम दे रहा हूं, ग्रैंड लीग स्पेशल वीडियो आ रही है, ठीक है। तो चलिए पहली टीम मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट, आपकी स्क्रीन पर ये रही, देखें। तो पहली टीम में क्या है, हमारी विकेट कीपर बेथ मुनी ही रहेंगी, क्योंकि हमें ऑलराउंडर 4 चाहिए, तो यस्तिका भाटिया को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। 3 बैटर लेके जा रहा हूं मैं हरमनप्रीत कौर के साथ, हरलीन देओल और सब्बे बेनी मेघना। मेघना टॉप 3 में खेलेंगी, इसलिए हरलीन देओल भी टॉप 4-5 में खेल सकते हैं, गन फील्डर है, डीप पे कैचेस ले सकते हैं। और जब हम ग्रैंड लीग जीतने जाते हैं तो आपको पता है कि वहां आधा पॉइंट 1 पॉइंट की भी वैल्यू होती है, तो प्लेयर भी मैंने ऐसे हिसाब से प्लेस करें कि जो फील्डिंग भी करे तो डीप में करे, जहां डेथ ओवर्स में क्रूशियल मोमेंट्स पे कैचेज ज्यादा आते हैं, पॉइंट्स बटोर सकें, बटोर सकें और बटोर सकें। तो हरलीन देओल ऐसी ही एक चॉइस है, इसलिए
चार आपका ऑलराउंडर आपको दिख रहे हैं, हीली मैथ्यूज, नेट स्काइवर, एसले गार्डनर और डाइंडरा डॉटिन। अब यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर एमेलिया केयर मिस कर दिया। क्यों कर दिया? मिस इसलिए कर दिया कि अगर बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक रहता है तो एज ए बॉलर एमेलिया केयर खत्म, और एमेलिया कर केयर अगर एज ए बॉलर खत्म, तो एज ए बैटर एमेलिया केयर की पावर है बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा लेवल पे वो नहीं अचीव कर पाती। हाँ ठीक ठाक बैटर है, 30-35 तक की बात है, लेकिन ये जो चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये बे बेटर देन एमेलिया केयर है एज ए बैटर, इसीलिए इनको लिया गया। डाइंडा डॉटिन कैप्टन, लोग इनको टीम में भी नहीं लेंगे क्योंकि एमेलिया केयर इनकी जगह घुसी पड़ी रहेंगी और आप कैप्टन बना के जा रहे हैं। डाइंडा डॉटिन वो प्लेयर है जो 30 बॉल पे 70 रन मार सकती है वुमेन क्रिकेट में। क्रिस गेल कहा जाता था इनको वुमेन क्रिकेट का, अगर आपको याद हो फॉलो करते हो तो डाइंडा डॉटिन यहाँ पे मेरी कैप्टन और एस्ले गार्डनर वाइस कैप्टन। फर्क सिर्फ इतना है कि गार्डनर एट 4 और डाइंडा डॉटिन एट 3 और ओपनिंग, बस इस गेम कवर के डिफरेंस की वजह से मैंने इनको कैप्टन और उनको वाइस कैप्टन बनाया है, ठीक है। नेट स्काइवर एट 4 फॉर्म अच्छी चल रही है, काफी यूजफुल हो सकती है, इसलिए 3 बॉलर वारहम और ग्राहम के साथ तनुजा कंवर। पूजा वस्त्रकर को सब लेके आने वाले हैं, कंवर के बारे में बहुत कम लोग बात करेंगे। कब बात करेंगे? जब कंवर एक दो मैच में काम कर जाएंगे। तो दोस्त मेरे बात यह है कि आपको मैच खत्म होने के बाद अगले मैच में पिछले मैच के परफॉर्मर को नहीं लेना है, आपको उस प्लेयर को पिक करना है जो आज परफॉर्म करने वाला है, और वो प्लेयर है तनुजा कंवर। तो आपकी पहली ग्रैंड लीग टीम, दूसरी ग्रैंड लीग टीम फटाफट, बेथ मुनी फिर से विकेट कीपर रहेंगी, बैटर हरलीन देओल की जगह अमनजोत कौर। अगर आपने स्मॉल लीग की वीडियो देखी होगी या देख लीजिए, वहां अमनजोत के मैंने बारे में बड़ा डिटेल से बताया कि क्यों बहुत यूजफुल प्लेयर है अमनजोत कौर। तो अमनजोत कौर है, सब बेनी मेघना है, हरमनप्रीत कौर है, एक बदलाव जनरली हुआ। चार ऑलराउंडर यहाँ पे क्या किया, नेट स्काइवर की जगह अमेलिया केयर को मैं लेकर आया और यहाँ स्ट्रेट अवे इनको कैप्टन बनाया कि अगर एक आध विकेट भी लेगी, अगर एक आध विकेट भी लेगी और 30+ का स्कोर भी कर गई, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना क्योंकि टेलीग्राम के अकॉर्डिंग ही बात आगे जाएगी। एमेलिया केयर का बैटिंग ऑर्डर अभी फिक्स नहीं है, नॉट नेसेसरी एट 3, शी कैन बी एट 5 एंड 6, तो उसी के हिसाब से फिर बदलाव भी मैं करूंगा, और बदलाव करूंगा तो फिर आपको टेलीग्राम पे मेरे साथ दोस्त जुड़ना तो पड़ेगा। तो अभी जुड़िएगा, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, क्लिक करके लिंक से ही ज्वाइन करें, ठीक है। फिर एसले गार्डनर, हिली मैथ्यूज, लोग गार्डनर को कैप्टन बहुत करेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि टाइड को थोड़ा अलग तरीके से चला रहे हैं। डाइंडा डॉटिन को वाइस कैप्टन पहली टीम में बता चुका हूँ, कैप्टन एमेलिया केयर। 3 बॉलर यहाँ पे, हीथर ग्राहम, जॉर्जिया वरहम को हमने यहाँ पे रिमूव किया है, उनकी जगह पूजा वस्त्रकर भी है और तनुजा कवर भी है। एक्चुअली एक प्लेस इंडियन प्लेयर के लिए खुलेगा, उसमें चाहे तनुजा कवर फिट कर लो, मोनिका पटेल फिट कर लो, मानसी जोशी फिट कर लो या पूजा वस्त्रकर, लेकिन मैं पूजा और तनुजा दोनों को लेके जा रहा हूं। दैट इज द डिफरेंस जो आपको और कॉम्बिनेशन से आगे ले जाएगा, ठीक है। अब टीम नंबर 3 देख लेते हैं, यहां चीजें बदली बदली क्या, हमने एक ऑलराउंडर कम किया, विकेट कीपर बढ़ाया, क्योंकि यस्तिका का भी गेम कवर तो यार इक्वली गुड है, सी इज ऑल्सो ओपनिंग, सी इज ऑल्सो विकेट कीपिंग, तो फिर बेथ मुनी के बराबर क्यों नहीं। तो बेथ मुनी को कैप्टन बनाया कि ठीक है, यू आर द परफॉर्मर ऑफ दिस ग्राउंड, यू आर इन फॉर्म, तो आप कैप्टन सी लीजिए, लेकिन यस्तिका भाटिया को भी आने दीजिए। यस्तिका आ गई, बेथ मुनी आ गई, 3 बैटर, मेघना, हरमन और अमनजोत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, हरमन वाइस कैप्टन। दो कारण है, पहला बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक रहा, अगर पहले बैटिंग करती है तो हरमनप्रीत कौर टॉप 4 में बैटिंग करेंगी, अभी बताई दे रहा हूं, टॉप 4 में बैटिंग करेगी तो फिर वाइस कैप्टन बनाना लाजमी है, क्योंकि इस टीम में सबसे बड़ी हिटर अभी भी कौन है, उस हिटर का नाम है हरमनप्रीत कौर, उसके बगैर आप बड़ा स्कोर नहीं बना सकते। चेज करोगे, बड़ा टारगेट है, अगर चेज करना है तो कौन चेज कराएगी, हरमनप्रीत कौर। तो ग्रैंड लीग की एक टीम में वाइस कैप्टन बनाना अति आवश्यक है, इसलिए बेथ मुनी के साथ वाइस कैप्टन हरमनप्रीत कौर। 3 ऑलराउंडर यहाँ पे, एमेलिया केयर, गार्डनर को रखा, हिली मैथ्यूज बॉलिंग श्योर नहीं है, डैनियल डॉटिन बॉलिंग श्योर नहीं है, एमेलिया नेट स्काइवर बॉलिंग बैटिंग कैन नॉट से कितनी आएगी, क्योंकि बैटिंग 4-5 हो सकती है और बॉलिंग का पता नहीं क्योंकि इतने सारे ऑप्शन है, तो हम इनको यहाँ पे हटा रहे। अब स्नेह राणा की 4 ओवर पक्के आ सकते हैं, वाइस कैप्टन है गुजरात की, तो कुछ तो थोड़ी सी पावर भी चलेगी ना, पोजिशन के साथ साथ कुछ तो फायदा उठाएंगी। तो हर अगर स्नेह राणा के 4 ओवर आ जाते हैं तो गेम कवर उनसे स्नेह राणा का ज्यादा हो जाएगा, इसलिए स्नेह राणा यहाँ पे हो जाएंगी मेरी तीसरी ऑलराउंडर। तो एस्ले गार्डनर, अमेलिया केयर के साथ स्नेह राणा, देन 3 बॉलर
और तीनों इंडियन, पूजा वस्त्रकर, तनुजा कंवर और फिर उसके साथ मोनिका पटेल। ये कॉम्बिनेशन मिलना रेयर रहेगा, इसी को सॉलिड जीएल कहा जाता है, क्योंकि तीन इंडियन बॉलर्स को मुझे नहीं लगता कोई लेकर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट टीम पे चलते हैं। नेक्स्ट टीम में बहुत छोटे से बदलाव, देखिए विकेट कीपिंग ऑप्शंस वही रहे, लेकिन यहाँ पे बेथ मूनी कैप्टन की जगह वाइस कैप्टन होगी। जो कैप्टन थी पिछली टीम में वो वाइस कैप्टन थी, वो कैप्टन कर दी हरमनप्रीत कौर। हेमलता एज इट इज रहेंगे, हरलीन देओल को अमनजीत कौर की जगह लाया गया, अमनजोत कौर की जगह। ऑलराउंडर गार्डनर कैर और राणा तीन थी वही रही, और उसके साथ जो बॉलर्स थे वो भी तीन थे। मतलब टीम में सिर्फ एक बदलाव और कैप्टन वाइस कैप्टन सफल करके ये हमारी टीम नंबर 4 ग्रैंड लीग टीम बन गई। फिर बोल रहा हूँ अपडेटेड टीम्स के लिए टेलीग्राम पर जरूर जुड़ना, जरूर जुड़ना और जरूर जुड़ना, तभी आपका कुछ भला हो पाएगा, वरना तो गड़बड़ रहेगा मामला। ठीक है, वीडियो देख लिया ठीक है, लेकिन अपडेटेड टीम कहाँ से लाओगे? प्लेइंग 11 में अगर दो दो तीन तीन बदलाव भी हो गए तो समझना भारी हो जाएगा आपके लिए कि किसको छोड़े और किसको पकड़े। चलिए टीम नंबर 5 पे चलते हैं। अब ये हाई रिस्क की तरफ है मामला, हाई रिस्क टीम है। क्या है? यस्तिका भाटिया ओनली विकेट कीपर एंड वाइस कैप्टन टू, वेथ मुनि ड्रॉप्ड। ये बड़ी बात होगी, एक प्लेयर जो 90% लोगों के द्वारा सेलेक्ट किया गया है, हमने उसको ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो यस्तिका भाटिया हमारी वाइस कैप्टन हो गई यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एडवांटेज लो तो अच्छे से लो, कि उनको ड्रॉप करा इसका मतलब वो चलेंगी नहीं, और ये चल गई तो इनको वाइस कैप्टन भी बना दो, तो ये डबल एडवांटेज हो जाएगा, उधर माइनस और इधर प्लस। तीन बैटर यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। अब हरमनप्रीत कौर भी यहाँ पे है, क्योंकि रिसेंट फॉर्म हरमनप्रीत कौर का पोटेंशियल बहुत है, लेकिन रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए हरमन को भी यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। हाई रिस्क तो हाई रिस्क है भाई, इसलिए हरलीन देओल है, उनके साथ अमनजोत कौर है और है धारा गुज्जर। 3 नंबर से लेके 5-6 तक धारा कहीं भी बैटिंग कर सकती है, लेफ्ट हैंडेड बैटर है, ठीक ठाक बैटिंग कर लेती है। तो कहने का मतलब ये कि अगर थोड़ा धारा के विपरीत मैच गया, मतलब हम प्रिडिक्ट ये कर रहे हैं कि मैच हाई स्कोरिंग रहेगा, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक रहेगा, और चूंकि पहला मैच है, एक अच्छा एडवर्टीजमेंट करना चाहता है बीसीसीआई भी, तो ऐसे में जरूर बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक मिलने की संभावना है। लेकिन कहीं अगर बॉलिंग फ्रेंडली या नर्व सेटल नहीं होंगे प्लेयर के, पहला मैच है, प्रेशर होगा, साथ किसी को एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, उसके चक्कर में अर्ली विकेट्स जाने लगे, तब धारा गुज्जर जैसे प्लेयर्स आपकी ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएंगे। तो धारा गुज्जर आपकी तीसरी प्लेयर हो गई एज ए बैटर। दो ऑलराउंडर यहाँ पे सिर्फ नेट स्काइवर और स्नेह राणा, बाकी प्लेयर्स का तो वैसे ही जो गेम कवर है वो टेम्पटेड है। एशले गार्डनर फेल हो जाए मान लो, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर आपका मामला सेट हो जाएगा। नेट स्काइवर कैप्टन इस टीम की परफेक्ट रहेंगी, कि दो तीन ओवर अगर डाल रही है, और प्लस बैटिंग 4 नंबर आएगी आएगी, टॉप ऑर्डर अगर गायब हो गया तो मजे आ जाएंगे। तो नेट स्काइवर कैप्टन स्नेह राणा का पिछले वीडियो, पिछले मतलब उसमें बता ही चुका हूं मैं। टीम के साथ 5 बॉलर, 5 में देखें टॉप पूरे के पूरे 5 इंडियन, पूजा वस्त्रकर, सोनम यादव, अंडर 19 टीम का प्लेयर का हिस्सा थी, आपको याद होगा जो मैंने एनालिसिस एक वीडियो बनाई थी पूरी सभी प्लेयर्स को लेकर, उसमें सारी डिटेल सभी प्लेयर की दी हुई है। अगर आपको भी किसी प्लेयर के बारे में जानना है तो चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, खोलिएगा, देखिएगा और समझ लीजिएगा कि किस प्लेयर का क्या स्किल है, क्या उसकी एबिलिटी है, कितना खेला है, क्या स्टेट्स है, वो सब कुछ उसमें दिया हुआ है। मानसी, तनुजा और मोनिका पटेल तीनों पेस ऑप्शंस हो गए, और पूजा वस्त्रकर, सोनम यादव एक स्पिन ऑप्शन हो गई। इस तरीके से ये आपकी टीम नंबर 5 बन गई, हाई रिस्क मतलब हाई रिस्क, हाई रिस्क टीम नंबर 2 मतलब आपकी ग्रैंड लीग टीम नंबर 6। यस्तिका भाटिया फिर से विकेट कीपर, हरमनप्रीत कौर को लाया, ठीक है, हरलीन देओल रही और अमनजोत कौर रही, तीनों 55 कुड़ी हमने टीम में डाल दी, और अमनजोत कौर को बनाया वाइस कैप्टन, कि आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने डेब्यू मैच की परफॉर्मेंस रिपीट कर दीजिए और आप हमारी वाइस कैप्टन, परफेक्ट वाइस कैप्टन या कैप्टन बन सकती हैं। 3 ऑलराउंडर यहाँ पे हिली मैथ्यूज को और बढ़ा लिया गया, एक बॉलर कम करके पिछली टीम के कंपैरिजन में, कि एक दो ओवर का स्पेल प्लस ओपनिंग बैटिंग, तो अगर कंडीशन फ्रेंडली रहती है तो बात आपकी बन जाएगी। प्लस 4 बॉलर जिसमें मानसी जोशी को लाया हूँ मोनिका पटेल की जगह, और एक प्लेयर कम करके हाल ही हेली मैथ्यूज को तो हम ले ही आए थे, तो ये आपकी हो गई ग्रैंड लीग टीम नंबर 6। 6 ग्रैंड लीग टीम आपकी हो गई है, जल्दी जल्दी बताया है इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, एनालिसिस के लिए स्मॉल लीग वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर अवेलेबल है, आ चुकी है लिंक उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, हम और आप मिलते रहेंगे पूरे WPL पूरा IPL इसी तरीके से साथ करेंगे,
यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इजाजत दीजिए, टाटा बाय बाय, जय माता दी।